कल गुजरात में हुए दर्दनाक हादसे में 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा ली। आपको जानकर हैरानी होगी, सभी बच्चे 20 वर्ष से कम उम्र के। इन बच्चों की गलती केवल इतनी थी कि वे उस कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए गए थे जहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। मसलन अग्निशमक यानी कि आग बुझाने के कोई भी इक्विपमेंट वहां पर नहीं थे, ना ही आग लगने की स्थिति में या किसी गंभीर दुर्घटना की स्थिति में वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता था। बता दें कि ये घटना सूरत में घटित हुई, जहां पर 4 बच्चों ने केवल इसलिए जान गंवाई क्योंकि वे आग से बचने के लिए बिल्डिंग पर से कूद पड़े थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि सूरत के पास ऐसी कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी जो 20 मीटर से ऊपर की हो, जो इन बच्चों को बचा सके। साथ ही जो 19 अग्निशमन दल यानी कि दमकल विभाग की 19 गाड़ियां जो लगी थी, वह भी अंदर बिल्डिंग में फंस गई थी, जिस वजह से यह हादसा बढ़ता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें जीनों के पास यानी कि सीढ़ियों के पास से शुरू हुई, जिसका विकराल रूप लेते चली गई और 20 बच्चों की जान ली गई। हालांकि सरकार ने सभी मृतक बच्चों के ऊपर 4 लाख रुपए देने की बात की है, लेकिन 4 लाख की एक राशि उन बच्चों के किस काम की, उन माता पिता के किस काम की जिनके घर का चिराग बुझ गया हो। वहीं हम बात करते हैं गुना की, जहां पर चल रही है अपार कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना भी रास्ता नहीं है कि वहां से 2 बच्चे एक बार में निकल सके। धड़ल्ले से खुली जा रही है गुना में कोचिंग सेंटर, जिन पर सरकार या जिला प्रशासन की कोई नजर नहीं है। जिन बिल्डिंगों में ये कोचिंग सेंटर स्थित है वहां पर ना तो उनके पास कमर्शियल लाइसेंस है और ना ही आग बुझाने का या ऐसी कोई दुर्घटना की स्थिति में निपटने के लिए कोई संयंत्र। अगर ये घटना ईश्वर ना करे कभी गुना में घटित होती है तो इसका कितना बड़ा परिणाम होगा। समझ से परे है कि इस घटना के बाद भी शायद जिला प्रशासन जाग नहीं पा रहा है और आज भी दिन भर किसी भी कोचिंग के ऊपर या किसी भी स्कूल के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपको यहाँ ये बता दें कि बिल्डिंगों में जहाँ पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वह बिल्डिंगों में रास्ते भी बहुत तंग हैं, साथ ही साथ कई बेसमेंटों में भी इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं। देखने लायक होगा कि क्या प्रशासन किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है या दुर्घटना घटित होने के बाद ही इन कोचिंग संचालकों या फिर इन इमारत के बनाने वालों पर कोई कार्यवाही करेगा, या फिर बिना दुर्घटना के ही जल्द ही इन पर कोई कार्यवाही करके कोई एक निश्चित लॉ बना देता है। हालांकि जब भी कोई कोचिंग सेंटर खोली जाती है तो उसके लिए भी बकायदा नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो यहाँ गुना में किसी भी कोचिंग संचालक ने नहीं किया है।